हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद ए वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाए। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ए मान लें और इसको बी मान लें, दो पॉइंट्स हो गए प्लेट्स। इसके बाद बात आती है कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है, यहां से यहां तक इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है। ऐसे कर दो या मान लेते हैं कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है इसके अंदर इस टाइप से। ये डाइलेक्ट्रिक है, ये एक्चुअली एक स्केयर प्लेट है। अभी बात समझ रहे हैं आप, स्केयर प्लेट। स्केयर प्लेट कैसी होती है? ऐसी समझ रहे हो आप। ये पॉइंट तो मैं यही कर देता हूं, बी तो ए फिर यही कर देते हैं, और ये प्लेट इस टाइप से है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसको मैंने 3D डायग्राम के तौर पर बताया। इसकी साइड मान लेते हैं ए, तो ये भी ए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब यहां इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट्रिक की वैल्यू की माने के वन, और इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये के टू है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट के बीच में डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। डायरेक्ट्रिक स्लैब डाली, वो वेरिएबल है। स्टार्टिंग जहां से होती है प्लेट की, मान लो एक्स इक्वल टू जीरो पे, वहां डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है? के वन। और प्लेट के एंड पे जहां लेंथ एक और हो जाती है, वहां डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के टू। ठीक है, और ये आपको गिवन है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वेरीज लिनियरली विद डिस्टेंस। ये क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वेरीज लिनियरली विद डिस्टेंस। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे के वन है और एक्स इक्वल टू ए पे के टू है, जो मैंने बताया। यहां पे एक्स जीरो, यहां पे एक्स इक्वल टू ए, यहां पे के टू है। ठीक है भाई, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी मुझे निकालनी है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि मेरे पास भी दो प्लेट्स हैं, प्लेट स्केयर प्लेट है, ध्यान रखना स्केयर प्लेट। समझ पा रहे हैं आप? और इस टाइप से मैंने बना के दिखा दी स्केयर प्लेट। ठीक है भाई, अब क्या करें? अब वेरिएबल डायलेक्ट्रिक है और लिनियरली वेरी कर रही है। लिनियरली अगर ये वेरी कर रही है, इसका मतलब वेरिएशन लीनियर है, और वेरिएशन अगर लीनियर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई की जगह क्या चीज है यहां पे? डायरेक्ट्रिक है, के मान लेता हूं, वाई की जगह के। अच्छा, एम क्या होता है? स्लोप, ए मान लेता हूं, और एक्स एक वेरिएबल हो गया इधर का, प्लस सी इंटरसेप्ट, क्योंकि सी यहां पे कैपेसिटेंस होती है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान ली वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी इंटरसेप्ट की जगह बी आ गया, स्लोप की जगह ए आ गया, और वाई की जगह यहां पे के आ गया। तो अगर मैं इस टाइप से मानू कि यहां तो के है और इधर एक्स है, ऐसे मान सकते हैं इसको। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि के की वैल्यू एक्स बढ़ने से बढ़ती जा रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? के की वैल्यू एक्स बढ़ने से बढ़ती जा रही है। अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए एक्स और के बीच में, तो ऐसे ग्राफ आएगा लिनियर। चलो, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा मकसद इसको सोल्व करना। ठीक है भाई, अगर मैं कंडीशन लगाऊं एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स अगर जीरो है यहां पे तो क्या वैल्यू है? के वन। तो यहां तो के वन आ जाएगा, और एक्स को जीरो करेंगे तो बी आ जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई? के वन। यहां लिख देता हूं b इक्वल टू के वन, एंड एट एक्स इक्वल टू ए के एक्स किसके बराबर हो जाएगा? के टू के बराबर। तो दिस इज के टू, और x की वैल्यू क्या है? a। तो ये तो सब कुछ सेम हो जाएगा, m मान लेते हैं, के एक्स इक्वल टू एम एक्स। तो एक्स इक्वल टू
ए रखा जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, के टू इक्वल टू एम ए प्लस बी। मेरी बात समझ रहे हैं आप, के की जगह के टू हो जाएगा, बी की बी हो गया, एक्स की जगह ए कर दिया, और यहां सेम ए और ए मैच कर रहा था तो मैंने एम की जगह एम कर दिया। ठीक है भाई, के क्या है आपके पास, सॉरी बी क्या है आपके पास, के वन, तो ये आ गया के टू माइनस के वन इक्वल टू एम ए, और हम ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं डी, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं डी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है भाई, तो हम यहां से यहां तक चले, तो के टू माइनस के वन इक्वल टू, यहां से मुझे क्या निकालना था एम, तो एम क्या हो जाएगा ए। ये बात मेरी आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई, तो मैंने यहां से इक्वेशन में बी और एम की वैल्यू निकाल ली। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का काम था, आपको गिवन था के की वैल्यू लिनियरली चेंज हो रही है, अगर लिनियरली चेंज हो रही है तो मैंने कंडीशन ले ली x जीरो पे k1 है, x इक्वल टू a पे ये है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस c, तो y की जगह वेरिएबल क्या है k, m स्लोप होता है m ले लिया, x वेरिएबल है डिस्टेंस का, c की जगह b कांस्टेंट आ गया इंटरसेप्ट। तो अगर x जीरो है तो b की वैल्यू k1 आ गई, अगर x a है तो मेरे पास m की वैल्यू ये आ गई। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, वेरिएबल सारे आ गए, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, यहां से x पे जाके एक छोटा एलिमेंट लेते हैं dx। मेरी बात समझ रहे हो आप, x पे जाके dx का एक छोटा एलिमेंट ले लिया और इसको ऐसे बनाओ ज्यादा बढ़िया लगेगा, x पे जाके dx, और ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो, x पे जाके dx का एक एलिमेंट लिया छोटा सा, तो जरा सोच के देखो, ये जो अपने पास स्केयर प्लेट है, इस स्केयर प्लेट का एरिया क्या हुआ, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है a, और ये विड्थ कितनी आ रही है dx, विड्थ कितनी आ रही है dx, तो एरिया कितना हो गया स्ट्रिप का प्लेट के लिए adx। ठीक है, तो स्मॉल कैपेसिटेंस क्या आएगी, स्मॉल कैपेसिटेंस फॉर स्मॉल एलिमेंट, सोच के देखें, यहां से यहां तक पूरा कैपेसिटेंस छोटा सा टुकड़ा ले लिया, छोटा टुकड़ा क्या ले लिया, कैपेसिटेंस डीसी। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए एरिया क्या होगा इस पार्ट का, ए लेंथ इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी, डी का मतलब क्या हुआ, इस कंडक्टर का एक पार्ट ये रहा एक पार्ट ये रहा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है डी, तो डी तो डी रहेगा। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है भाई, इसके बीच में सेपरेशन डी था तो डी का डी आ गया, लेकिन यहां पे वेरिएबल तो है, तो यहां पे के एक्स आएगा, kx का मतलब डायलेक्ट्रिक की वैल्यू यहां से x डिस्टेंस के ऊपर क्या होगी, ठीक है हमें पुट करनी है, तो dc की वैल्यू क्या होगी, kx, kx क्या था mx प्लस b, kx क्या था mx प्लस b, x डिस्टेंस पे जाके, x पे जाके कितनी वैल्यू होगी mx प्लस b, m और b की वैल्यू मुझे पता है मैं पुट कर सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट adx बटे में d, ये मेरे पास dc की वैल्यू आ गई स्मॉल कैपेसिटेंस, ये मेरे पास dc की वैल्यू आ गई स्मॉल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, इस कंडक्टर का एक पार्ट ये एक पार्ट ये, अगर ऐसा एक टुकड़ा और लिया जाए तो ये दोनों कंडक्टर आपस में जुड़े हुए हैं और ये दोनों आपस में, इसका मतलब दोनों पैरेलल में, और टुकड़ा लिया जाए तो वो भी पैरेलल में, तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि ये सारे कैपेसिटर छोटे छोटे इस टाइप से बनेंगे एंड सो ऑन, इसका मतलब सारे के सारे क्या हो गए पैरेलल में, और सारे अगर पैरेलल में हैं तो आपको पता है पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टेड होती है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो मैं C इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल सकता हूं mx प्लस b एप्सिलॉन नॉट adx by d, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, स्टार्टिंग कहां से हो रही, यहां से x इक्वल टू 0 कहां तक जाएंगे x इक्वल टू a तक, तो 0 से a,
तो सी इक्विवेलेंट में कॉमन क्या आएगा, ये ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भाग इंटीग्रेशन एम एक्स प्लस बी डी एक्स जीरो से ए। इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं तो बेटा ये आएगा मेरे पास एम एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, इसकी लिमिट जीरो से ए, प्लस बी का इंटीग्रेशन बी एक्स और लिमिट जीरो से ए। ठीक है, सी इक्विवेलेंट की अगर बात करता हूं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एम एक्स की जगह ए करूंगा तो ए स्क्वायर बाई टू, जीरो करूंगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस बी अपर लिमिट ए करूंगा तो ये ए हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इतना करने के बाद एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एम की वैल्यू पुट करो के टू माइनस के वन डिवाइड बाई ए, के टू माइनस के वन बाई ए स्क्वायर बाई टू, प्लस बी की वैल्यू क्या है के वन ए। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, यहां से ए कैंसिल, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। यहां तक हमने कर लिया, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा इसको मिटाने से पहले, मेरे पास दो प्लेट थी पैरेलल, एक्चुअल में स्क्वायर प्लेट है, 2D में 3D वाली फीलिंग नहीं आती, तो मैंने इस प्लेट को थोड़ा सा यहां शो कर दिया 3D में। तो ये दो प्लेट ऐसे हैं, एक छोटा टुकड़ा लूंगा तो ये लेंथ तो पूरी A रहेगी बट ये विड्थ कितनी होगी dx, तो ADX क्या हो जाएगा एरिया। ठीक है भाई, फिर मुझे चाहिएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया क्या हो गया ADX डिवाइड बाई सेपरेशन, इन दोनों का सेपरेशन क्या है डी। ठीक है, फिर क्या आएगा डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो लगातार चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना होगा यहां से यहां की डिस्टेंस x, तो x के टर्म में क्या लिखा था एम एक्स प्लस बी, तो एम एक्स प्लस बी लिखेंगे और आगे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन आपको आता है। उससे पहले मैं आपको फिर बताऊं, यहां लीनियर वेरिएशन था और लीनियर वेरिएशन के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी और बाउंड्री कंडीशन लगाई, क्या लगाई बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है अगर x जीरो है तो ये जीरो करते हैं बी की वैल्यू आ गई केवल, अगर x a है तो ये a करेंगे तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी। तो बाउंड्री कंडीशन से मैंने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली इन दोनों की, तो मेरे पास इतना आया। इसके बाद अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो c इक्विवेलेंट मेरे पास आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के टू माइनस के वन इंटू में ए बाई टू प्लस के वन ए, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आएगा के टू ए बाई टू माइनस के वन ए बाई टू प्लस में के वन ए। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं के टू ए बाई टू, ओके ये के वन ए, ये के वन ए बाई टू माइनस का के वन ए अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो वन माइनस वन बाई टू। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहां से आप देखो तो ए कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये क्या आ गया के टू बाई टू और के वन बाई टू। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो सी इक्विवेलेंट मेरे पास आया एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी टू डी, यहां से टू कॉमन आ जाएगा के वन प्लस के टू। तो C इक्विवेलेंट का मेरे पास फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई टू डी के वन प्लस के टू। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो होता ही था, ए बाई टू और आ जाएगा के वन प्लस के टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मेरा मकसद आपको सॉल्व करवाना नहीं था, मेरा मकसद आपको कंसेप्ट बताना था कि इसको सोल्व कैसे करें। तो अगर वेरिएबल आ जाए और वहां दे दे कि लीनियर वेरिएशन है तो बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी और उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी ए और बी की, और फिर स्मॉल कैपेसिटर निकालने, स्मॉल कैपेसिटर निकालने आपको आती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया निकाल देंगे स्मॉल स्ट्रिप का और के की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, क्योंकि सारे स्मॉल एलिमेंट सीरीज में है, सारे अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट एड कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, इस टाइप से मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। ये तो हो गई जनरल कंडीशन, ये क्या हो गई जनरल कंडीशन। अगर आपके पास इसके ऊपर सवाल आते हैं तो
तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? सपोज कीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की जो प्लेट है ए है और वही स्क्वायर प्लेट है, और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है के, उसका वेरिएशन दे रखा है 2x+3, ये गिवन है, इसका वेरिएशन दे रखा है 2x+3 और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है जैसे मैंने पहले बताया था, और के वेरी कर रहा है, के वेरी कर रहा है, के इज वेरिएबल अलोंग द प्लेट, के इज वेरिएबल अलोंग द प्लेट, ये ध्यान रखना। अभी जो हमने केस किया है उसमें जो डायलेक्ट्रिक है वो प्लेट के पैरेलल वेरी कर रही है, प्लेट के पैरेलल, एक एक एंड से दूसरे एंड पे अलोंग एक्स एक्सिस कह सकता हूं, या प्लेट के पैरेलल वेरी कर रही है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फाइंड सी इक्विवेलेंट, तो इस केस के अंदर आप देखिए मुझे कॉन्स्टेंट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले ही दे रखे हैं, तो मेरा सीधा मकसद क्या होगा, डीसी। फिर से वही बात, क्या मैं एक स्केयर प्लेट बना दूं, क्या मैं एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट ले लूं, क्या मैं यहां से इसको ऐसे शो कर दूं, तो ये साइड अगर ए है तो ये भी ए हो गया और ये कितना हो गया डीएक्स, तो एरिया की अगर बात करूं तो ए डीएक्स हो गया, बहुत अच्छे। डीसी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया बटे में सेपरेशन, सेपरेशन क्या दोनों का डी, और के की वैल्यू क्या आएगी 2x+3, के की वैल्यू 2x+3 क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे जाके मुझे एक्स वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो एक्स तो दे रखा है 2x+3 एज इट इज पुट कर दो, और सारे एलिमेंट सीरीज में होंगे तो सी निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन 2x+3 एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स वाई डी, और लिमिट क्या लगेगी 0 से ए, समझ गए हम, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाहर ले लिया, इंटीग्रल 2x+3 डीएक्स 0 से ए, सिंपलीफाई कर लो इसको, उससे काफी आसान हो गया क्योंकि वहां पे कांस्टेंट निकाले थे हमने, यहां डायरेक्ट गिवन है, तो इंटीग्रेशन करेंगे 2x² / 2 लिमिट 0 से ए प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x 0 से ए, कर दो सिंपलीफाई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि मुझे यहां पे क्या करना था, ये आ गया। अगर आपको कुछ वैल्यू वगैरह दे रखी है तो सॉरी पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपको कुछ वैल्यू वगैरह दे रखी है तो पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई, तो ये काफी इजी हो गया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि डायलेक्ट्रिक वेरिएबल है बट वेरिएबल में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसे वेरी कर रहा है, वो अलोंग द प्लेट इंक्रीज हो रहा है, अलोंग द प्लेट, प्लेट के साथ साथ, तो के दे रखा है आपको, तो एक्स पे जाके डीएक्स स्मॉल एलिमेंट लेना है, स्मॉल कैपेसिटेंस निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी, और ये वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लिमिट क्या होगी 0 से ए, ये बात समझ में आ गई। और जनरल केस थोड़ा कम भी अगर आया तो प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा समझ में, उसके बाद ये करने की कोशिश करें। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर के वेरी करे वन प्लेट टू सेकंड प्लेट, अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे वेरी करता है तो क्या होगा, तो मान लो लोअर प्लेट पे K1 है, अपर प्लेट पे K2 है, और दोनों प्लेट का सेपरेशन क्या है डी। अभी इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, प्लेट के पैरेलल वेरी करे, अभी यार वन प्लेट टू सेकंड प्लेट, ठीक है भाई, और स्केयर प्लेट मान रखी है तो हम थोड़ा शो कर देते हैं काम आएगा, क्या है स्केयर प्लेट, ठीक है भाई, ये बातें समझ में आ गई। अब जो डायलेक्ट्रिक है वो यहां वेरी कर रहा है ऊपर, के अपवर्ड वेरी कर रहा है, तो अगर मैं इसके अंदर मान लू भाई ये डायलेक्ट्रिक हो रही हुई है, शो कर देते हैं थोड़ा सा, तो मैं मान लेता हूं कि भाई एक्स पे जाके एक डीएक्स थिकनेस की डायलेक्ट्रिक ले ली डीएक्स, तो इसकी स्मॉल कैपेसिटर निकाल लें, तो बाद में सॉल्व कर लेंगे आगे नेक्स्ट का, ठीक है भाई सॉल्व कर लेंगे। अब मेरे पास पहले बात आती है कि गिवन है के वेरीज लीनियरली, पहले वाली बात के लीनियरली वेरी कर रहा है तो के क्या होगा एम एक्स प्लस बी, ठीक है भाई ये बात समझ में आ गई, तो
एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स अगर जीरो है यहां तो के एक्स इसके बराबर है, के वन के तो वेरिएबल है यहां पे के वन, तो यहां पुट करना इक्वेशन वन में, तो के एक्स क्या हो जाएगा, यहां जीरो करो बी आ जाएगा, और के एक्स की वैल्यू क्या है के वन, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू डी, क्यों भाई यहां से चले और बढ़ता 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 यहां जा रहा हूं, तो एक्स किसके बराबर है डी के बराबर, तो के एक्स किसके बराबर है के टू, तो यहां अगर मैं पुट करूंगा तो के टू ये इक्वल टू एम एक्स की जगह डी प्लस में बी, बी क्या है के वन, तो ये मेरे पास क्या आ गया के टू माइनस के वन इक्वल टू एम डी, और डी को नीचे ले आऊंगा तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, मेरे को बात समझ में आ गई कि पहले की तरह लीनियर वेरी कर रहा था, पहले में एक्स की वैल्यू ए आ रही थी ध्यान रखना, क्योंकि वो हम प्लेट के साथ साथ जा रहे थे, अब एक प्लेट से दूसरे पे जा रहे हैं तो एक्स क्या होगा डी के बराबर, ये मेरे पास आ गया, तो मेरे पास जो वेरिएबल थे वो सारे आ चुके हैं। अब बात आती है स्मॉल कैपेसिटेंस, तो स्मॉल कैपेसिटेंस डीसी, डीसी क्या होती है एप्सिलॉन नॉट एरिया बटे में सेपरेशन, तो इसका सेपरेशन क्या है चलो लिखते हैं। सबसे पहले देखो प्लेट ये है, नीचे की प्लेट ऐसी है, तो हमने जो डायलैक्ट्रिक मानी है छोटी सी क्या वो ऐसी है, यस, तो प्लेट का एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर, तो डायलैक्ट्रिक का एरिया भी क्या आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि डायलैक्ट्रिक तो इसके पैरेलल है बिल्कुल, तो डायलैक्ट्रिक का एरिया जैसे एक छत के नीचे एक दरी बिछा दी सेम डायमेंशन की, तो वही होगा एरिया, तो एरिया तो वही होगा स्क्वायर प्लेट है तो ए स्क्वायर डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब डी क्या है सेपरेशन क्या है इसका, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, सेपरेशन क्या आ रहा है डी एक्स, और के की वैल्यू क्या है भाई एक्स पे जाके, एक्स के लिए हमने क्या मान रखा है एम एक्स प्लस बी, क्या मान रखा है हमने एम एक्स प्लस बी, ये भी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्मॉल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट एरिया बटे में सेपरेशन इनटू डायलैक्ट्रिक, सब समझ में आ गया, पहले भी ऐसे ही किया था, अब ये सॉल्व करें, पहले सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स पैरेलल में थे डायरेक्ट एड हो गए थे, अब कैसे हैं, अब देखो भाई एक प्लेट ये एक प्लेट ये, तो एक एलिमेंट ये बनेगा 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 और एक मान लो ये बनेगा, तो सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं सीरीज में, तो इस टाइप से कैपेसिटर क्या बनेंगे सीरीज में, तो कैपेसिटर अगर सीरीज में बनते हैं, क्योंकि जब हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच जाते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और सीरीज में आपको पता कैसे ऐड करते हैं रेसिप्रोकल करके, तो मैं क्या करता हूं वन बाई डी सी रेसिप्रोकल, तो एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल और इसी का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी जीरो से डी, क्यों यहां से चले और डी तक गए, तो ये तो आ गया वन बाई सी, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटीग्रल जीरो से डी डी एक्स डिवाइड बाई एम एक्स प्लस बी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, 1 by c equal to 1 by epsilon not a square, 1 by x का इंटीग्रेशन log x, तो log mx plus b, और x के साथ क्या है m बाहर आ जाएगा, लिमिट क्या आई जीरो से d, आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 by c equal to epsilon not a square, m बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट क्या है d, तो ln md plus b माइनस एल एन एक्स ने डी आ गया, यहां एक्स के जीरो करो क्या हो जाएगा एल एन बी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, बी की वैल्यू मुझे पता है के वन और यहां एम की वैल्यू मुझे पता है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वन बाय सी इक्वल टू एम एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, एम की वैल्यू है के टू माइनस के वन बाय डी। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा एल एन एम डी प्लस बी बटे में बी, ये भी ठीक है, वन बाई सी इक्वल टू डी ऊपर आ जाएगा के टू माइनस के वन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं एम की है के टू माइनस के वन बटे में डी इंटू डी प्लस के वन डिवाइड बाई बी, बी क्या है के वन। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करें तो वन बाई सी आ गया डी के टू माइनस के वन
एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर लॉग डी से डी कैंसिल, के वन से के वन कैंसिल, तो के टू बाई के वन। और भाई अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो ये सी आ जाएगा मेरे पास के टू माइनस के वन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी, इस पूरे का उल्टा कर दिया ये आ गया और डिवाइड में आ गया एल एन के टू बाई के वन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे पास आ गई के टू माइनस के वन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी डिवाइड बाई लॉग के टू बाई के वन। तो ये मेरे पास इस टाइप से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाता है अगर हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा टिपिकल है, हम जनरल एक्सप्रेशन जो कर रहे हैं थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाएंगे, दोनों कॉन्स्टेंट निकालेंगे, स्मॉल कैपेसिटेंस लेके उसका इंटीग्रेशन। जब प्लेट के अलोंग जा रहे हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, वन प्लेट टू सेकंड प्लेट जा रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल करके इंटीग्रेशन करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये थी जनरल बात कि सोल्व कैसे करते हैं वो समझाने के लिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा इतना लेंथी नहीं आएगा, जैसे मैंने पीछे वाले में करवाया था वैसा ही आएगा। कैसे वो देखिएगा, आपको दे देंगे भाई हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट है, इसमें जो के है वो टू वाई प्लस वन ऐसे वेरी कर रहा है, टू वाई प्लस वन का मतलब वाई के लॉन्ग ऐसे वेरी कर रहा है, और के वेरीज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, के वेरीज फ्रॉम प्लेट टू प्लेट, ये गिवन मिलेगा आपको। तो दे दिया सेपरेशन, क्या दे दिया आपको डी, तो बताओ क्या होगा। तो बेटा वही बात है, डीसी डीसी का फॉर्मूला क्या था एप्सिलॉन नॉट, और अगर मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है तो एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, यहां पे छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें इस टाइप से, समझ गए, और छोटे एलिमेंट की थिकनेस इस टाइप से आ जाएगी। इस टाइप से करके तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइड बाई सेपरेशन क्या था डीएक्स की जगह डीवाई, क्योंकि इस बार ये वाई के टर्म में है तो वाई पे जाके डीवाई एलिमेंट ले लेंगे, वाई पे जाके डीवाई, और यहां पे क्या आ जाएगा टू वाई प्लस वन। मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर प्लेट टू प्लेट जाते हैं तो इसकी थिकनेस क्या आएगी डीवाई एप्सिलॉन नॉट एरिया, और जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो जो गिवन है वही आ जाएगा। अब टोटल कैपेसिटेंस के लिए मैंने क्या बताया था इसका रेसिप्रोकल, तो वन बाई सी क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल डी वाई बटे में एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर टू वाई प्लस वन इंटीग्रेशन जीरो से डी। बात समझ आ गई, अब हो जाएगा सोल्व डायरेक्ट, तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाहर डी वाई बटे में टू वाई प्लस वन जीरो से डी करो इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग टू वाई प्लस वन जीरो से डी, वन बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट रखेंगे एल एन टू डी प्लस वन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एल एन लॉग वन, और कंफ्यूजन ना हो तो हम एक काम करते हैं वन की जगह ना यहां पे थ्री कर देते हैं, वन की जगह मैं यहां पे थ्री कर देता हूं, ये लो ये जीरो हो गया, ये लो थ्री आ गए। आगे सॉल्व कर लो, वन बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एल एन टू डी प्लस थ्री डिवाइड बाई थ्री, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कर दो तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइड बाई एल एन टू डी प्लस थ्री डिवाइड बाई थ्री। तो मेरे ख्याल से किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं, पहले वाले क्वेश्चन को जनरल क्वेश्चन को करने में हमें बहुत टाइम लगा था लेकिन इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ के दे रखा है स्मॉल एलिमेंट आपको लिखना आता है, इसका रेसिप्रोकल करो और इंटीग्रेशन करो। अगर प्लेट के पैरेलल जाए तो यहाँ डीसी निकाल लेंगे इसी पैटर्न से, यहाँ पे ए स्क्वायर की बजाय वहां पे ए डी एक्स आ जाता है और सॉल्व कर लेंगे, वहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे रेसिप्रोकल करके इंटीग्रेशन। तो वेरिएबल डायलैक्ट्रिक अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखी जाती है तो कैसे सोल्व करेंगे ये आपके सामने इस टाइप से होगा। अगर मैं इसके बाद बात करूं
अगर मैं इसके बाद बात करता हूं कि भाई मेरे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखी जाए, तो डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब क्वांटिटीज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो वो चीजें हम देखते हैं। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हो, कैसे है? ऐसे देखते, ये कैपेसिटर की प्लेट, यहां मैंने बैटरी जोड़ रखी है और यहां एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंजेक्ट कर रहा हूं। इनिशियली मैं इसके अंदर इंजेक्ट कर रहा हूं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, के। प्लेट के ऊपर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू इनिशियली, कैपेसिटेंस सी और इसका पोटेंशियल वी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आपके आ गई, इसको इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, आफ्टर इंजर्शन मैं लिखता हूं पहले बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब कैपेसिटर पे बैटरी कनेक्ट रहेगी, बैटरी नहीं हटा रहे हम, तो बैटरी अगर कनेक्ट रहेगी इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल जो है पैरेलल में हमेशा सेम रहता है, इसका मतलब इसमें चार्ज अपने आप को इस टाइप से अरेंज करेगा कि पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। चलो बाद की बातें हैं, इनिशियली मान लिया प्लेट के ऊपर चार्ज क्या है, क्यू, कैपेसिटेंस क्या है, सी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लें, ई, और पोटेंशियल क्या है, वी, और एनर्जी क्या मान लेते हैं, यू। तो आफ्टर इंजर्शन सबसे पहली बात है चार्ज के ऊपर क्या चेंज आएगा, तो मैं मान लेता हूं क्यू डैश। अगर मेरे पास पोटेंशियल वी है, बैटरी कनेक्ट है, तो ये डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में चेंज आता है, बट पोटेंशियल अगर वी है तो पोटेंशियल अपने आप को मेंटेन करेगा, पोटेंशियल अपने आप को मेंटेन, क्योंकि आपको पता है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होता है तो वी भी चेंज होगा, तो वी अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि वो सेम रहे, इसका मतलब चार्ज चेंज होगा। या फिर मैं ये मान सकता हूं कि जब बैटरी कनेक्ट है तो चार्ज का सोर्स है, और चार्ज का सोर्स है तो चार्ज बढ़ेगा, कितना बढ़ता है, टाइम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इनिशियल चार्ज टाइम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जितना डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उतना टाइम चार्ज बढ़ जाएगा। अगर मान लो के की वैल्यू टू है तो टू क्यू हो जाएगा, अगर के की वैल्यू टू है तो टू क्यू हो जाएगा, इसका मतलब जितना के की वैल्यू है उतने टाइम चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अगर आपको याद हो तो डाइलेक्ट्रिक में डिस्कस किया था मैंने क्या, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड जितने फैक्टर से डिक्रीज होता है कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उतने ही फैक्टर से बढ़ता है, याद आ रहा है आपको, तो और के जितने फैक्टर से बढ़ता है कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होती है। तो जब स्लैब प्लेट के बीच में रखी जाएगी तो बैटरी चाहे कनेक्ट हो चाहे डिसकनेक्ट हो, बैटरी चाहे हो चाहे ना हो, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगी, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगी, हमेशा इंक्रीज होगी, समझ गए, कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ेगी चाहे बैटरी हो जी ना हो। ठीक है भाई, तीसरी बात अगर मैं करूं कि भाई चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, कोई आपसे मुझे पोटेंशियल बताओ भाई, तो वी डैश फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, क्यू इक्वल टू सी वी, तो बेटा नया वी डैश क्या आएगा, क्यू डैश बाई सी डैश, भाई वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, मुझे नया चाहिए डैश लगा दिया, तो क्यू डैश कितना है के क्यू, ये कितना है के सी, के से के कैंसिल, तो वी डैश क्यू बाई सी क्या होता है, वी। तो मैंने शुरू में ही कहा था बैटरी अगर कनेक्ट है तो पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी अगर कनेक्ट है तो पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई डी, तो मैं इसको वी डैश बाई डी कर दूं, डी यहां पे क्या होता है, सेपरेशन, डी यहां पे क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां ले देता हूं, सेपरेशन में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, सेपरेशन वही है, और वी डैश की वैल्यू क्या है, वी, सेम, तो ई डैश क्या आ गया, वी बाई डी, तो E डैश भी सेम रह गया।
ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा यू डैश यू, इनिशियल यू था बाद में यू डैश मान लिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, हाफ सी वी स्क्वायर लगाऊं या क्यू स्क्वायर बाई टू सी लगाऊं, कौन सा लगाया जाए जो आसान हो। तो यहां देखो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल अगर सेम है तो मैं लगाता हूं हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, तो हाफ सी डैश क्या है के सी, वी डैश क्या है वी, तो के बाहर ले लो, हाफ सी वी स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी आ गई तो के टाइम्स हो गई। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड है, और कैपेसिटर की प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है और इसके अंदर एक डायरेक्टिव स्लैब रखी जाए, इसका डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट के है और बैटरी कनेक्ट रहे, तो चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा जो पहले था, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी। अगर कोई बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल है तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट, और पोटेंशियल में कौन डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी सेम। और एनर्जी की बात करें, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर थी पहले स्लैब डालने से, वो के टाइम्स बढ़ गई, मतलब इनिशियल एनर्जी 10 जूल थी और के की वैल्यू 5 है तो ये 50 हो गई। अगर यू 10 था और के 5 है तो कितना हो गया 50, तो जितना डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू है उतने टाइम्स एनर्जी बढ़ जाएगी, उतने टाइम्स चार्ज बढ़ जाएगा, उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो भाई मोटी मोटी बात अगर बात करें तो बैटरी जब कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो सेम रहता है, चार्ज कैपेसिटेंस और एनर्जी तीनों के टाइम्स बढ़ जाते हैं, चार्ज कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एनर्जी तीनों के टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, ई और बी सेम रहते हैं। भाई इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि बैटरी कनेक्ट होगी तो क्या होगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बैटरी को हटा दो फिर क्या होगा, बैटरी को हटा दो तो बैटरी डिसकनेक्टेड, तो कैपेसिटर की प्लेट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, डायलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाल दी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, बैटरी हटा दी, और बैटरी हटा दी ऐसे लिख दो, या आप ऐसे कर सकते हो की ओपन कर दो, की को ओपन कर दो। ठीक है भाई, अब क्या होगा, चार्ज Q, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक फील्ड E और एनर्जी U लिख दिया हमने। चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, Q का Q रहेगा, क्यों भाई, जब मेरे पास बैटरी हट गई, जब मेरे पास बैटरी हट चुकी है तो चार्ज का सोर्स नहीं है, जितना चार्ज है वही रहेगा, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज कंजर्व है, चार्ज अगर कंजर्व है तो वही रहेगा। ठीक है भाई, कैपेसिटेंस की बात करें तो मैंने अभी कहा था स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी, स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी चाहे बैटरी हो चाहे ना हो। ठीक है भाई, अब अगर बात करें कि भाई पोटेंशियल पे क्या होगा, तो पोटेंशियल क्यू डैश बाई सी डैश, क्यू डैश क्यू, सी डैश के सी, तो बेटा क्यू बाई सी क्या होता है वी, वी बाई के। तो यहां से आप देख पा रहे हैं जब बैटरी हट जाएगी, जब बैटरी डिस्कनेक्ट है तो पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है भाई, पहला दूसरा तीसरा, अगर मैं चौथे की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वी बाई डी, तो वी क्या है वी बाई के, तो ई डैश क्या हो गया ई वाई के, कैसे ई डैश वी डैश बाई डी, वी डैश क्या है वी वाई के, तो वी वाई डी क्या होता है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम हो जाएगी। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो यहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यों, क्योंकि यहां पे क्यू सेम है, तो क्यू का क्यू हो जाएगा और टू सी, सी क्या है के सी, तो वन बाई के बाहर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी क्या होता है यू, तो यू बाई के, तो एनर्जी भी के टाइम्स कम हो जाएगी। इसका मतलब मैंने एक कैपेसिटर की प्लेट्स है, एक कैपेसिटर है उसको चार्ज कर दिया, और चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर उसके बीच में डायलेक्ट्रिक रखी जाती है तो डायलेक्ट्रिक जब रख देंगे तो चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगी, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा और एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है,
जब बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद एक चार्ज कैपेसिटर में डायरेक्टली रखी जाती है तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी तीनों डिक्रीज होते हैं, कैपेसिटर बढ़ती है, चार्ज सेम रहेगा। और जब बैटरी कनेक्ट होते हैं तो चार्ज के टाइम्स बढ़ेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में भी काफी काम आता है और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं या इनके ऊपर घुमा फिरा के थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक हम इलस्ट्रेशन के तौर पर ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये सारे फैक्टर आपको याद करने हैं। बैटरी कनेक्ट है तो किसमें क्या चेंज आएगा, बैटरी डिसकनेक्ट है तो किसमें क्या चेंज आएगा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सपोज कीजिए एक बैटरी है ऐसे, यहां पे एक कैपेसिटर है वी पोटेंशियल, ये सी और ये भी सी मान लेते हैं। यहां मैंने एक की लगा दी, इनिशियली ओपन है, इनिशियली ये क्लोज है, सो क्लोज ये हमें दे रखा है। व्हेन के इज ओपन k is opened and a slab of constant k is introduced in C2, k को open कर दिया और इसके बीच में एक slab डाल दी, then find u final u initial, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की फाइनल और इनिशियल वैल्यू का रेशियो बताओ। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, सीबीएसई में कई बार आ जाता है बेसिक चीज। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, सबसे पहले यू इनिशियल, इनिशियल आपको दिखाई दे रहा है इसका पोटेंशियल वी और दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो यहां भी वी और यहां भी वी, कैपेसिटर दोनों की सी, तो हाफ सी वी स्केयर प्लस में हाफ सी वी स्केयर, आई थिंक समझ में आ गया होगा सी वी स्केयर, तो इनिशियल एनर्जी मेरे पास आ गई सी वी स्केयर, बट ठीक है भाई समझ में आ गई। अब आ जाती है यू फाइनल, तो भाई यू फाइनल कैसे निकाल दिया, सोचो की को हमने कर दिया ओपन और इसके अंदर एक स्लैब डाल दी, इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है के। एक बात बताओ, ये वाला कैपेसिटर सॉरी ये जो बैटरी है इस बैटरी के साथ पहले वाला कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्ट है, इसके साथ कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्टेड, डायरेक्ट है तो इस कैपेसिटर में कोई स्लैब भी नहीं है तो पोटेंशियल वी रहेगा, कैपेसिटेंस सी रहेगी, सेम है। इस कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल दी और बैटरी जो होती है उसका कनेक्शन हटा दिया, तो हम कह सकते हैं इस कैपेसिटर के लिए बैटरी डिसकनेक्टेड, हाँ या ना, इस कैपेसिटर के लिए बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, इस कैपेसिटर के लिए बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई और एक स्लैब डाल दी, तो इस कैपेसिटर के लिए हम क्या कह सकते हैं कि बैटरी डिस्कनेक्ट है, ये डाल दिया और मुझे एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, तो स्लैब डालेंगे तो भाई इसको मैं दोबारा बनाऊं, ये इस टाइप की सिचुएशन आएगी, ये वी ये सी ये के सी, क्योंकि जब स्लैब डाल देते हैं तो कैपेसिटर कितनी हो जाएगी के टाइम्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी बाई की, जरा सोचो जब बैटरी कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है और एनर्जी भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, बात समझ रहे हो, तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ये आ गया तो फाइनल एनर्जी क्या आएगी, फाइनल एनर्जी इन दोनों की, तो इसकी एनर्जी क्या आएगी हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ, इसकी क्या आएगी सी की जगह के सी, वी की जगह वी बाई के का होल स्क्वायर, तो यू फाइनल आ गया हाफ सी वी स्क्वायर प्लस में हाफ के सी वी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एक के से के कट गया, ये आ गया हाफ सी वी स्क्वायर प्लस में हाफ सी वी स्क्वायर बटे में के, बोलो भाई हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई के, तो एनर्जी के टाइम्स कम हो जाती है जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन थोड़ा फील आ जाए आप लोगों को समझ में आ जाए,
इसलिए मैंने ये कर दिया। तो बेटा यू फाइनल कितना आ गया, हाफ सी स्क्वायर वन प्लस वन बाई के, ये फाइनल वैल्यू मुझे समझ में आ गई, फाइनल वैल्यू मुझे समझ में आ गई। अब कोई आपसे पूछे भाई यू फाइनल बटे यू इनिशियल बताओ, तो यू फाइनल क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर और वन प्लस वन बाई की, और इनिशियल क्या है, सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर से सी वी स्क्वायर कट गया, तो ये आया वन बाई टू ब्रैकेट वन प्लस वन बाई की। तो यू फाइनल बटे यू इनिशियल की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई टू वन प्लस वन बाई की, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, इस टाइप से और भी कोई सवाल आता है तो हमें बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि बैटरी कनेक्ट है या डिसकनेक्ट है। अगर बैटरी कनेक्ट है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, एनर्जी कैडेंस बढ़ जाएगी, और बैटरी डिस्कनेक्ट है तो पोटेंशियल कैडेंस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैडेंस कम हो जाएगा, एनर्जी कैडेंस कम हो जाएगी। तो जिस टाइप से जो भी आए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रैक्टिस कीजिएगा।